भाजी पनीर पराठा बनाने के लिए चाहिए। पनीर, आटा, चिली फ्लेक्स, ये हमारी मर्जी है। अगर हमें अच्छा टेस्टी चाहिए और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए चिली फ्लेक्स डालते हैं। हरी मिर्च एक कटी हुई, अचार आम का और मिर्च का किसी का भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आम का ही लेना है। एक टीस्पून अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार और पानी आटा गूंदने के लिए। आटा गूंदने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कटोरी आटा, अजवाइन स्वाद अनुसार, नमक। अभी हम इसे अच्छे से गूंद लेते हैं, जैसे रोटी बनाते हैं या नॉर्मल पराठा बनाते हैं उस तरह से। इस आटे में ना थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, जिससे ज़्यादा पतला ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आराम से जैसे पराठा या रोटी बनाते हैं ना उस तरह से सॉफ्ट गूंदना है। तो हमारा आटा ऐसा होना चाहिए जिसमें आराम से उंगली चली जाए। अब इसको हम जो है ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए, और तब तक हम क्या करते हैं स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बना लेते हैं, ये मेरे पास है 100 ग्राम पनीर। अब मैं तो जो बना रही हूँ 100 ग्राम के हिसाब से बना रही हूँ, आपको जैसे ज़्यादा बनाना है तो इस हिसाब से आगे अपने मसाले जो भी है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब इसमें मैं डालती हूँ चिली फ्लेक्स, नमक, स्वाद अनुसार जितना आपको खाना है अच्छे से उतना ही डालना है, एक हरी मिर्च, ये है अचार मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, इसमें और कोई मसाला डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अचार में सभी चीज़ें हैं पड़ी हुई, तो इसलिए इसमें कुछ भी डालने की और जरूरत नहीं होती है, इसी से बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। अभी हमारी स्टफिंग तैयार है और दूसरा आटा भी हमारा बिल्कुल सही हो गया है। अब चलिए हम बनाते हैं। इसमें पराठा बनाने के लिए थोड़ा सा सूखा आटे की जरूरत पड़ेगी। अब मैं शुरू करती हूँ पराठा बनाना। एक इतना बड़ा छोटा सा पेड़ा लेना है, पेड़ा मतलब लोई, जिसमें आराम से स्टफिंग हो सके, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं, इतना। अब हम इसमें स्टफिंग कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे करके, और ये इतना आराम से ये पराठा जिसे खुले ना, ये। और इसका क्या करना है, हमें एक तरफ से लेना है ऐसे, और इसको धीरे धीरे ऐसे बंद करना है दबाते हुए अंदर, ये अंदर दबाते हुए। ये फिर अच्छे से ऐसे, और इसको क्या करना है बाद में ऐसे दबा दो। अब ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा सूखा आटा लगा के और इसे अच्छे से धीरे धीरे, एक साथ नहीं तो फट जाएगा, ये पराठा ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अब इसको हल्की आंच पे अच्छे से सेकना है, जब तक हम एक पराठा और बना लेते हैं। अभी एक तरफ से अच्छे से सिक चुका है। अब इस पे हम घी लगा के अच्छे से सेक लेते हैं। मैंने इसमें घी लिया है, पर आप चाहें तो इसमें रिफाइंड में, घी तेल में, किसी में भी बना सकते हैं। और इसे अच्छे से करारा करके सेक लो दोनों तरफ से। हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। अब इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बना लेते हैं। अचारी पराठा बनके तैयार है। अब इसे हम दही के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल मक्खन से भी खा सकते हैं, मक्खन से भी बहुत टेस्टी लगता है।